हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय चैनल एन जी मेडिकल्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पिप्यूरियम पार्ट टू पार्ट वन में हम लोग ने यूट्रस तक कंप्लीट कर लिया था अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वजाइना में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और बाकी ऑर्गेंस में अदर ऑर्गेंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं तो जैसा कि हम सब जानते हैं पहली चीज़ तो पिप्यूरियम पीरियड क्या है डिलीवरी के तुरंत आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स बाद आपका जो पीरियड स्टार्ट होता है सिक्स वीक तक उसको हम पिप्यूरियम पीरियड बोलते हैं अब इस पीरियड में हो क्या रहा था जो भी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर चेंज हुई थी यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके हर एक चीज़ का साइज़ बढ़ गया था यूट्रस का साइज़ बढ़ गया था ब्लड सप्लाई बढ़ गई थी यूट्रेस की लेयर्स बढ़ गई थी है ना वजाइना का इंक्रीज हो गया था बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग तो प्रेगनेंसी ठीक है तो अब पप्यूरियम क्या है पप्यूरियम में डिलीवरी हो चुकी है बेबी की बेबी बाहर आ चुका है तो सिंपल सी चीज़ है वो सारी चीज़ें जो कि प्रेगनेंसी में चेंजेस हुई थी वो सारी चीज़ें रिवर्ट बैक हो जाएंगी यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाएंगे प्रेगनेंसी से पहले वाली स्टेट में आ जाएंगे ठीक है क्योंकि कोई चीज़ का साइज़ बड़ा है तो अब उसका साइज नॉर्मल भी होना ज़रूरी है सो तो यही सारी चीज़ें आपकी प्रिप्यूरियम पीरियड में हो रही हैं आज वाले वीडियो में हम देखेंगे कि वजाइना में ऐसे कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं ठीक है ओके तो सबसे पहले वजाइना में इन्वोल्यूशन हो रहा है इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है इन्वोल्यूशन मीन्स ही होता है कि कोई भी चीज़ अपने आप को वापस से पुरानी स्टेट में ले आए यानी कि जो चीज़ का साइज बढ़ गया है वो चीज़ का साइज प्री प्रेगनेंट स्टेट में वापस से आ जाए तो आपका जो वजाइना है भाई उसका भी साइज इंक्रीज हुआ क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुई थी उसके अंदर से बेबी बाहर आया था तो उसका साइज भी इंक्रीज हो गया था राइट बहुत सारी चीजें ऐसे हुई थी तो वो जो वजाइना है वो पहले की तरह कब तक बन पाएगा फोर से एट वीक्स ले लेगा अपने आप को पहले की तरह कन्वर्ट करने में ओके okay. तो प्रीवियस स्टेट में वो कभी भी वापस नहीं आ सकता ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो कंप्लीटली वो पहले की स्टेज में नहीं आ पाएगा आपने रबर बैंड देखा है या आपने कोई मतलब जो बालों में आप रबर बैंड लगाते हो है ना या बैंड लगाते हो देखा है ना उसको आप एक दो बार यूज कर लो अगर तो उसका साइज बढ़ जाता है उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है ठीक है उसके बाद उसको आप छोटा नहीं कर सकते हो है ना पुराने की तरह न जैसा न्यू आया था वो बिना यूज किया वैसा आप उसको साइज में नहीं कर सकते हो सेम चीज़ जो आपका वजाइना है है ना तो वजाइना जो है वो स्ट्रेच हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी तो स्ट्रेच होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो पुराने कंडीशन में कम्प्लीटली नहीं आ पाता उसका साइज तो छोटा होगा लेकिन वो नली पैरा pre स्टेट में नहीं आएगा यानी कि एक कम्प्लीटली प्री प्रेगनेंट स्टेट में नहीं आएगा थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी उसकी लूज़ रहेगी ओके तो इसलिए जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इजी रहता है मदर को कम पेन होता है है ना पहली प्रेगनेंसी की डिलीवरी में मदर को ज्यादा पेन होता है क्योंकि चीज़ें स्ट्रेच हो रही होती हैं सेकेंड डिलीवरी में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत पहले से स्ट्रेच हो चुकी होती हैं ठीक है ठीके? तो वो और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं राइट तो वजाइना में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले तो वजाइना की लेयर्स चेंज हो रही हैं राइट तो वजाइना के पास टोटल थ्री लेयर्स होती है यानी कि आपके वजाइना तीन लेयर से मिलकर बना हुआ है सबसे अंदर वाली लेयर उसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं देखो म्यूकोसा सबसे अंदर वाली है ये या आपको याद कैसे रहेगा वजाइना गीला रहता है क्यों गीला रहता है क्योंकि उसमें म्यूकस रहता है ठीक है म्यूकस का काम क्या है वजाइना को ड्राइनेस से बचाना वजाइना को इन्फेक्शन से बचाना ओके तो अब म्यूकस जो निकलेगा वो म्यूकोसा लेयर से निकलेगा म्यूकोसा लेयर कहाँ मिलेगी सबसे अंदर मिलेगी ठीक है यानी कि ये वाला जो एरिया है ये आपका म्यूकोसा लेयर से मिलके बना हुआ है वजाइना का ओके तो म्यूकोसा लेयर पहले कुछ हफ्ता लगा देती है अपने आप को थोड़ा सा टाइट करने में ओके सब म्यूकोसा यानी कि इसके जस्ट बाद वाली सब मींस होता है नीचे बाद ठीक है म्यूकोसा के बाद वाली लेयर सब म्यूकोसा यानी कि ये सेकेंड लेयर की बात चल रही है कलर चेंज कर देती हूँ मैं ये आपकी बीच वाली वाली जो लेयर है यहाँ पे या आप यहाँ देख लो ठीक है ये आपकी म्यूकोसा हो गई ठीक तो ये आपकी सब म्यूकोसा हो गई है ना ये सब म्यूकोसा लेयर जो है इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है रिच इन ब्लड सप्लाई होती है तो इसके अंदर क्या होगा वेनस कंजेशन हो जाएगा लॉन्ग टाइम लगेगा ठीक वेनस कंजेशन क्या मतलब हुआ जो वेन्स हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पे इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं क्यों इंक्रीज़ हो जाती हैं क्योंकि बेबी को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है वजाइना को अपने आप का साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए उसको फूड चाहिए और हमारी बॉडी का हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स का फूड क्या है ब्लड क्यों क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन है ब्लड में अदर न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक तो ब्लड सप्लाई सब म्यूकोसा की इंक्रीज हो जाएगी और वो कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई देगी पूरे वजाइना में ब्लड सप्लाई देगी अब जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई थी तो वेनस कंजेशन हो गया था यानी कि ब्लड वेसल्स का कंजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई थी तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ले ले लेगी इसको सॉल्व करने के लिए इसको कम करने के लिए ब्लड सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए पहले की तरह करने के लिए ओके लास्ट है एडवेंटिशिया लेयर ये है आपकी आउटर लेयर ऑफ दी वजाइना ठीक है तो ये आउटर लेयर क्या करती है आउटर लेयर आपकी ये बाहर वाली जो लेयर सबसे बाहर वाली ये वाली लेयर ये आउटर लेयर है इसका काम क्या है वजाइना को शेप प्रोवाइड करना तो ये भी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है ठीक लेकिन ये बहुत ज्यादा अपने आप को लाइक uh, चेंज like नहीं करती है ऑलमोस्ट नॉर्मल रहती है तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे आई थिंक वजाइना की लेयर आपको समझ में आ गई होगी म्यूकोसा जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो कि म्यूकस बनाती है उसको कुछ ए, पहला हफ्ता लग जाएगा ठीक होने में सब म्यूकोसा Uh, जो कि बीच वाली लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा हो गई थी ठीक है उसको भी थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा ब्लड वेसल्स को नॉर्मल करने में और एडवेंटिशिया जो सबसे बाहर वाली लेयर थी जो शेप प्रोवाइड कर रही थी उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं वो ऑलमोस्ट रिमेन नॉर्मल है दूसरा देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट आ जाता है रूगे ठीक है तो रूगे वजाइना के अंदर फोल्ड्स होते हैं उनको हम रूगे बोलते हैं ये आपका इनर वजाइना देख रहे हो ठीक है इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के फोल्ड्स होते हैं अब जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे इन फोल्ड्स में थोड़ा बहुत रैश या कह सकते हो हल्का फुल्का सा छिल जाते हैं हल्का सा रैश रेडनेस आ जाती है तो ये जो है वो आपकी पार्शली रिपेयर होती है थ्री वीक्स में ठीक है कम्प्लीटली ये रिपेयर नहीं हो पाता है रूगे में थोड़ा सा लाइक हल्का सा रेडनेस रैशेज रह जाते हैं और बाद में वो बहुत लॉन्ग टर्म ले लेता है ठीक होने में फिलहाल के लिए ये हार्मफुल नहीं है ये नॉर्मल चीज़ है कभी कदार हो जाता है इट्स ओके okay. तो ये तीन हफ्ते में ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है और थोड़ा सा इसका रह जाता है प्रॉब्लम इसके बाद आ जाता है एंट्राइटिस एंट्राइटिस मीन्स होता है ओपनिंग ऑफ दी वजाइना वजाइना की जो ओपनिंग है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया वजाइना पहले की तरह कभी भी अपना साइज नहीं नॉर्मल कर सकता है तो जो वजाइना की ओपनिंग है वो हमेशा लार्ज रह जाएगी वो छोटी नहीं होगी क्योंकि इतनी सी ओपनिंग की वजह से सॉरी इतनी सी ओपनिंग से इतना बड़ा हेड जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है इतनी बड़ी बॉडी बेबी की डिलीवर हुई है जब वो डिलीवर हुई तो इसका साइज क्या हो गया इसकी स्ट्रेच ओवर स्ट्रेच हो गई ओवर स्ट्रेचनिंग की वजह से इसका इसका साइज साइज बढ़ गया अब नॉर्मल नहीं हो सकता ये देखो, ये देखो वजाइना की ओपनिंग है इसी को हम लोग एंट्राइटिस बोलते हैं और इतना बड़ा बेबी इस छोटी सी ओपनिंग से बाहर आ रहा है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रॉड एंड राउंड लिगामेंट्स देखो लिगामेंट्स क्या होते हैं लिगामेंट्स बोन टू बोन को जोड़ते हैं है ना तो ब्रॉड और राउंड लिगामेंट दो तरह के लिगामेंट आपको वजाइना के आसपास देखने को मिलेंगे ठीक जो कि pelvic bones आपके पैल्विक बोन से आपके वजाइना को और आसपास की पूरी बोन जो पैल्विक बोन्स हैं उनके सारे पार्ट्स को जोड़ के रखते हैं तो इन भाई जाहिर सी बात है अब यहाँ से जब बेबी डिलीवर हो रहा है यहाँ पे देख लो जब इस एरिया से यहाँ से बेबी डिलीवर हो रहा है तो ये जो लिगामेंट्स हैं जो कि बोन से बोन को अटैच करके रखे हुए हैं ये ब्राउन वाले लिगामेंट्स हैं इनमें भी स्ट्रेचनिंग आ जाएगी राइट अब जब इनमें स्ट्रेचनिंग आ जाएगी तो इसके अंदर भी चेंजेस आएंगे तो ये बहुत लंबे समय तक अपने आप को रिपेयर करते रहते हैं क्योंकि भैया स्ट्रेचनिंग आ गई बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गई अब उसके अंदर थोड़ा सा टिश्यू विश्यू भी डैमेज हो ही जाता है तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं थोड़ा सा लंबे समय ले, ले लेती हैं अपने आप को रिपेयर करने के लिए इसके अलावा पैल्विक फ्लोर की तुम बात करोगे तो नीड लॉन्गर टाइम टू रिकवर सेम चीज पैल्विक फ्लोर यानी कि ये वाला पूरा एरिया आपकी कमर की हड्डी का निचला एरिया बेस एरिया डेट इज योर पैल्विक फ्लोर इसको भी रिपेयर करना होता है क्यों क्योंकि आपको पता नहीं है शायद कि जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे मदर की जो पैल्विस होती है वो मूव करती है ठीक है मदर की जो पैलवेस होती है वो भी क्या होती है जो आपकी कमर की हड्डी होती है इसको ये भी स्ट्रेच होती है प्लस इसकी जो पीछे की कॉकेस होती है छोटी वाली हड्डी ये देखो ये आपकी हिप बोन है ये छोटी वाली कॉकेक्स है ये देखो ये कैसे मूव कर करिए देख रहे हो ना ये भी मूव करती है तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है अगर तो ये रिपेयर होने में टाइम लगाती है नेक्स्ट आ जाता है वजाइना के अंदर से क्या चीज़ बाहर आ रही है तो वजाइना के अंदर से डिलीवरी के बाद एक सिक्रीशन बाहर आता है उसको हम लोग लोकिया बोलते हैं लोकिया फाइव मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है ठीक है अगर अकेले क्वेश्चन लोकिया का आ रहा है तो फाइव मार्क्स में आ जाएगा और प्रिप्यूरियल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रहा है तो एट से टेन मार्क्स के बीच में आ जाएगा ये क्वेश्चन ठीक है तो लोकिया लौकी से याद करना लोकिया लोकी लोकिया ठीक तो लोकिया जो है ये एक तरह का वजाइनल डिस्चार्ज है बहुत सारे लोग इसे पीरियड्स भी बोलते हैं आफ्टर आफ्टर डिलीवरी ठीक है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पीरियड आ रहा है लेकिन ये एक तरह का वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि डिलीवरी के बाद होता है और इसका होना बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि जब डिलीवरी हो गई बेबी की तो आपकी यूट्रस के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं क्योंकि प्लासेंटा उखड़ता है जब प्लासेंटा उखड़ता है तो वहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं टूट जाती हैं तो ये सारे ब्लड वेसल्स का जो ब्लड है वो बाहर आता है भाई ब्लड के फॉर्म में ही बाहर आएगा ब्लड तो उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं बहुत सारे लोग पीरियड्स बोलते हैं और मेडिकल लाइन में आप इसको लोकिया बोल सकते हो ठीक है तो तीन तरह से लोकिया बाहर आता है यानी कि इसके तीन कलर होते हैं रूबरा सिरोसा एंड अल्बा चलिए देख लेते हैं रूबरा सिरोसा अल्बा क्या है पहली चीज पोस्टमार्टम ब्लीडिंग भी इसे बोला जाता है इसका एक और नाम है दैट इज पोस्टमार्टम ब्लीडिंग पोस्टमार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी पोस्ट मतलब बाद में पार्टो मींस डिलीवरी ठीक है तो देख लेते हैं रुबरास रोसा और अल्बा के बारे में फाइव मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हो और इस तरह से चार्ट भी बना सकते हो इससे प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है ओके तो फीचर देख लेते हैं सबसे पहले कलर जो है आर फॉर रुबरा आर फॉर रेड हमेशा याद रखिएगा आर फॉर रुबरा आर फॉर रेड कलर कैसा होगा इसका रेड कलर का होगा अब इसका इसका जो है एक रीजन है भाई ये पहला जो आ ये रेड कलर का क्यों है क्योंकि इसमें आर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्लासेंटा उखड़ के बाहर आ जाता है तो इससे अटैच जो ब्लड सप्लाई होती है वो ओपन हो जाती है और उसके अंदर से ब्लीडिंग बाहर आती है ठीक है तो जब ब्लीडिंग बाहर आती है तो वो भाई आर रेड कलर की ब्लीडिंग आएगी ठीक है तो उसमें से आरबीसीज होते हैं ठीक डेसीडुआ यानी कि जो आपकी प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम है यानी कि इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, उसको हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम ना बोल करके डेसीडुआ बोलते हैं डेसीडुआ का मतलब क्या है प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम ठीक है तो जो वेस्ट डेसीडुआ है जो उखड़ गई है जो बेकार है यहाँ पे जिसको बाहर निकलना चाहिए वो भी साथ में बाहर निकलती है पीटल मेम्ब्रेन यानी कि एमनियोटिक फ्लूड की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी कहीं कही ना कहीं थोड़ी बहुत अटैच रह जाती है अगर तो वो भी बाहर निकलती है वो हो गई फीटल मेमब्रेन कुछ क्लॉट्स बाहर निकलते हैं भाई अः खून तो जमेगा ही ना तो वो क्लॉट के फॉर्म में थोड़ा बाहर निकलेगा ठीक है इसके अलावा वर्निक्स कैसियोसा यानी कि वाइटिश स्किन ऑफ द बेबी बेबी जब न्यूबॉर्न होता है आपने अगर न्यूबॉर्न बेबी देखा है तो आपने देखा होगा वो वाइट कलर का दिखता है थोड़ा उसकी स्किन वाइट वाइट होती है फिर उसको जब हम लोग मालिश करते हैं मसाज करते हैं तो वो वाइट स्किन उखड़ के नॉर्मल स्किन में मतलब नॉर्मल स्किन आ जाती है तो ये जो वाइट स्किन है इसको हम लोग बोलते हैं वर्निक्स कैसी ये वाइट स्किन अंदर झड़ जाती है ठीक है तो ये झड़ जाती है जो तो ये अंदर रह जाती है तो उस टाइम पर यह बाहर आती है इसके अलावा म्यूकोनियम म्यूकोनियम फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी होता है यानी कि पहली बार जब बेबी टॉयलेट करता है उसको हम म्यूकोनियम बोलते हैं तो कभी कदार बेबी ने अगर थोड़ा बहुत अंदर कर दिया है तो वो भी साथ में बाहर आ जाएगा ओके तो वन कैसी होता है जो वाइट स्किन है ये बेबी को इन्फेक्शन से बचाती है मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ ये सारी चीज़ें मिल करके रेड कलर बनाती हैं ठीक है क्योंकि ब्लड है तो भाई ब्लड का कलर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा रेड कलर है ओके कितने दिन तक ये आता है वन से फोर डेज तक ये आता है अब अगर सिरोसा की तुम बात करो तो सिरोसा में यहाँ पे तो सारी ब्लीडिंग ऑलमोस्ट निकल ही गई ना बाहर तो अब यहाँ पे पिंकिश ब्राउन ब्लीडिंग आएगी यानी कि अब आर ज़्यादातर निकल गए तो अब यहाँ पे ब्लड का कलर थोड़ा सा हल्का होने लगेगा पिंकिश ब्राउन हल्का सा पिंकिश ब्राउन कलर बाहर आएगा कितने दिन तक बाहर आएगा पाँच से नाइन फाइव टू नाइन डेज तक ये बाहर आता रहता है ओके okay. रही बात अब ये पिंक कलर का क्यों है ये देख लेते हैं है ब्लड है इसके अंदर लेकिन उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम है लेकिन वाइट ब्लड सेल्स ज्यादा है तो रेड और वाइट को जब तुम मिला दोगे तो पिंक कलर बन जाएगा जब हल्का रेड मिलाओगे और वाइट मिला दोगे तो पिंक कलर बन जाएगा तो पिंकिश ब्राउन कलर का आपको सिक्रेशन देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको सर्विक्स के म्यूकस देखने को मिल सकता है भाई सर्वाइकल म्यूकस भी थोड़ा बहुत अंदर रहता है तो ये जब ब्लीडिंग यहाँ से बाहर आएगी तो सर्विक्स का म्यूकस उसमें मिक्स हो जाएगा वो भी बाहर आ जाएगा इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हार नहीं करते हैं ठीक तो ये हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आएंगे साथ ही साथ म्यूकस के ओके ये सारी चीजें बाहर आएंगी तो पिंकिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा नेक्स्ट आ जाते हैं अलबा ये लास्ट में आता है अब भाई पिंकिश ब्राउन निकलते निकलते क्या हो गया अब ये पेल वाइट या येलोइश कलर का आने लगा इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि अब इसमें आर थोड़े भी नहीं है इसमें डिक्रीज आर थे इसमें बिल्कुल भी आर नहीं है इसमें सिर्फ डब्ल्यू बी सीज हैं सर्वाइकल म्यूकस है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ वो सेल्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो गए थे जैसे फैटी फैटी सेल्स फैट सेल्स बढ़ जाते हैं ठीक है जो ग्लैंड थी हमारे वो भी बढ़ गई थी सिक्रीशन इंक्रीज करने के लिए ग्लैंड के सेल्स निकलेंगे ठीक है डेसीडुआ के सेल्स निकलेंगे तो अब इसमें रेड कलर तो कहीं है ही नहीं तो रेड कलर आएगा ही नहीं हल्का सा ऑफ वाइट यानी कि डल वाइट या येलोइश कलर पेल येलोइश कलर का सिक्रीशन देखने को मिल सकता है और ये दस से पंद्रह दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है अगर ये रूबरा जो है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस माने जा सकते हैं सेम चीज़ सिरोसा अगर अपने टाइम से ज़्यादा पीरियड तक चलता रहेगा तो भी इन्फेक्शन के चांसेस माने जाएंगे और अलबा भी 10 से 15 दिन चल रहा है इट्स ओके okay. 10 से 21 दिन भी चल रहा है तो भी रूबरा इट्स ओके अगर 21 दिन से ज़्यादा अलबा चल रहा है चल रहा है इक्कीस दिन से ज़्यादा इस तरह से अल्बा की ब्लीडिंग वो सॉरी सिक्रेशन बाहर आ रहा है तो उसको हम इन्फेक्शन मान सकते हैं ओके नेक्स्ट आ जाते हैं ओडर की बात करें तो कैसा कैसी स्मेल आपको पता चलेगी देखो स्मेल बहुत ज़रूरी है अगर बहुत गंदी फॉल्टी और फिशी स्मेल आती है फिश की तरह इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन हो गया यूट्रस के ठीक तो कैसी स्मेल आनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि नॉर्मल है जैसे कि पीरियड्स में स्मेल आती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान स्मेल आती है तीनों में वैसी ही स्मेल आएगी जैसे पीरियड्स में स्मेल आती है पेन की अगर बात करें तो हल्का सा पेन हो होता है यूरोब्रा के टाइम पे क्यों क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है उस टाइम पे जो ब्लड की सप्लाई है वो खुली हुई है मतलब तो ब्लड निकल रहा है और प्लासेंटा भी उसी टाइम निकला हुआ है तो थोड़ा बहुत माइल्ड सा पीरियड क्रैम्प देखने को मिलेगा इसके अलावा सिरोसा और अल्बा में सिरोसा में बिल्कुल मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं अल्बा में कोई पेन देखने को नहीं मिलता है फ्लो की अगर तुम बात करोगे तो भाई शुरुआती फ्लो है तो वो तो हैवी मिलेगा बीच का फ्लो है तो वो मीडियम मिलेगा और लास्ट में जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि अंदर के सिक्रेशन डिक्रीज होते जा रहे हैं फ्लो होते होते आई थिंक आपको uh, सबका क्लियर हुआ होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको तो पढ़ लेना नेक्स्ट आ जाते हैं कैसे पता चलेगा कि लोकिया में कोई एबनॉर्मैलिटी है तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि स्मेल जो है वो आपकी फिश ही नहीं आनी चाहिए मतलब आ, फिश की तरह स्मेल नहीं आनी चाहिए गंदी सी ठीक है तो उसका इन्फेक्शन माना जाएगा ठीक अमाउंट की अगर बात करें तो 250 सौ वो डॉक्टर्स देखते हैं पाँच से छः दिन में सिर्फ 250 सौ Uh, के आसपास अप्रॉक्स निकलना चाहिए सिक्रीशन उससे कहीं ज्यादा अगर निकल रहा है तो इन्फेक्शन या पोस्टमार्टम हैमरेज के चांसेस हैं नहीं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं लीजन यानी कि कट लग गया है गहरा कट लग गया है ठीक है ओके okay, इसके अलावा कलर की तुम बात करोगे तो हर कलर पहली मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्बा में कैसा कलर आएगा सिरोसा में कैसा कलर आ जाएगा रूबरा में कैसा कलर आ जाएगा हर आ, लोकिया का कलर अलग अलग है अगर कलर में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इसमें प्रॉब्लम है ठीक है ड्यूरेशन की तुम बात करो तो अलबा तीन हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए तीन हफ्ते का मतलब क्या सात सात चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस जैसा मैंने पहले तुमको बता दिया कि इक्कीस दिन तक नॉर्मल माना जाता है ठीक है उससे ज्यादा अगर आएगा तो हो सकता है कि अंदर कोई लीजन बन गए हैं यानी कि कोई कट वगैरह लग गया है रैशेज हो गए हैं ओके अब आ जाते हैं जनरल फ़िजिकल चेंजेस बॉडी की चेंजेस की तुम बात कर लो अगर तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ देखने को मिलता है जैसे कि नाइनटी नाइन डिग्री इन फेर है ना मतलब हल्का सा गर्म बॉडी देखने को मिलेगी ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अंदर हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इसके अलावा अंदर बहुत सारे मैकेनिज़्म चल रहे हैं बहुत सारे हार्मोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं बहुत सारे हार्मोनस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हल्का सा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो पल्स आपकी थोड़ी सी बढ़ ही जाती है नॉर्मल है इसके अलावा यूरिनरी चेंजेस की बात करो तो देखो प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे देख सकते हो है ये कितना ज्यादा साइज इसका बढ़ गया था है ना तो और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर था ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है ठीक तो जब यूट्रस इतना साइज बढ़ा देगा तो वो यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा कंप्रेस करेगा यानी दबा देगा तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्या आती है नाइन मंथ आते आते यूरिन अपने आप ही बाहर निकल जाता है ठीक है क्यों क्योंकि देखो इसमें यूरिन भर नहीं पाया और यूटरस ने उसको दबा रखा हुआ है तो इसमें से यूरिन अपने आप ही बाहर निकल गया ये प्रॉब्लम आती है तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी धीरे धीरे है ना तो देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम में क्या हो रहा है सबसे पहले यूट्रस की वजह से यूरिनरी ब्लैडर दबते दबते उसके अंदर एडिमा हो जाता है भाई कोई चीज़ हमेशा प्रेशराइज है दबाए जा रहे हो दबाए जा रहे हो तो उसके अंदर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी ना तो एडिमस एडिमेटिस हो जाता है भाई कोई चीज़ जब एडिमा हो जाएगी सूजन आ जाएगी उसके अंदर तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन होगा वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा ठीक तो वो बलून शेप का हो जाता है ठीक अभी तो ये लंबा सा है लेकिन जब इसमें एडिमा हो जाएगा तो ये फूल जाएगा तो ये बलून की तरह देखने को मिल जाएगा अब इसमें क्या हो रहा है हाइपर एमिक यानी कि जब ये फूल रहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ भर रही है ना है ना ऐसे ही थोड़ी फूल रहा है तो एडिमा की वजह से यहाँ पे दो चीज़ें इंक्रीज हो रही थी एडिमा क्यों हो रहा था क्योंकि आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वाटर और ब्लड दोनों भर जा रहा था ठीक है इंक्रीज हो जा रहा था अब प्रिप्यूरियम पीरियड में यानी कि अब तो डिलीवरी हो गई है तो ये वाटर और ये जो ब्लड जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में भर गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एक्स्ट्रा विशेषण हो जाएगा यानी वो डिक्रीज होने लगेगा जब वो डिक्रीज होने लगेगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अब एडिमा थोड़ा सा कम हो जाएगा एडिमा थोड़ा सा कम हो जाएगा तो जो ब्लैडर की कैपेसिटी थी यूरिन को होल्ड करने की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी अब वो नॉर्मल फंक्शन धीरे धीरे करेगा तो ब्लैडर की कैपेसिटी क्या है ब्लैडर का, का काम क्या है यूरिन को होल्ड करके रखना और जब यूरिन पूरा कंप्लीटली उसके अंदर भर जाएगा तो वो उसको बाहर निकाल देता है ठीक है तो अभी यूरिन को होल्ड करना उसने ठीक से शुरू किया है लेकिन ओवर डिस्टेंडेड की वजह से यानी कि कंप्लीट आपका एडिमा सॉल्व नहीं हुआ है अभी भी वो टाइट है आपका जो यूर ब्लैडर है वो टाइट tight है टाइटनेस की वजह से क्या हो रहा है कि यूरिन अभी उसमें भरा हुआ है वो कंप्लीटली यूरिन को एमटी नहीं कर पा रहा है और इस बीच में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस हाई हो जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको पीरियड में देखने को मिलती है जीआई सिस्टम की हम अगर बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की तो आपको प्यास ज़्यादा लगने लगेगी उसका रीज़न क्या है उसका रीजन ये है कि मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चा दूध पी रहा है उस टाइम पे मदर को डिहाइड्रेशन फील होता है तो वो पानी ज़्यादा पीती है ठीक है इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी यहाँ पे होना चाहिए डिलीवरी कर ना ब्लड लॉस हुआ है ना ब्लड बाहर निकला फ्लूड बाहर निकला तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ बॉडी का जो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट था वो थोड़ा लॉस हो गया लॉस होने की वजह से आपका ब्रेन क्या करेगा आपका ब्रेन मतलब पानी की रिक्वायरमेंट मांगेगा आपका ब्रेन कहेगा पानी पियो तब जाकर के तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा ठीक है तो हमें प्यास ज्यादा लगेगी ठीक इसके अलावा अभी के टाइम पे यानी कि डिलीवरी हो चुकी है उस टाइम पे लोकिया बाहर आ रहा है ठीक इसके अलावा मतलब ब्रेस्फीड करा रही है ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से पानी की कमी अंदर हो रही है और हमारा ब्रेन क्या कर रहा है हमारा ब्रेन पानी की रिक्वायरमेंट कह रहा है मांग रहा है तो हम पानी ज्यादा पी रहे हैं ओके नेक्स्ट आ जाते हैं वेट लॉस तो छः मंथ लग जाते हैं सोचो सिक्स मंथ लग जाते हैं वेट लॉस कराने में पहली चीज़ तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट किस किस का इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा वेट बेबी का वेट था हमारे एमनियोटिक फ्लूड का वेट था देखो बेबी का टू पॉइंट फाइव के बेबी का वेट हो गया एमनियोटिक फ्लूड कितना बढ़ जाता है आठ से Uh, हज़ार एम एल तुम्हारा एमनियोटिक फ्लूड नाइन मंथ में बढ़ जाता है ठीक है उसका वेट हो गया पाँच सौ से छः सौ uh, ग्राम का प्लासेंटा तुम्हारा हो गया बाकी मदर का जो वेट इंक्रीज हो रहा है हो रहा है है ना बाकी हार्मोनल चेंजेस uh, मसल स्ट्रेचनिंग मसल का मतलब हाइपर ट्रॉफी हाइपरप्लेजिया ये सारी चीज़ों की वजह से वेट मदर का बढ़ रहा था मदर खा भी रही है क्योंकि डाइट उसकी इंक्रीज है तो ग्यारह किलो वेट बढ़ जाता है जिसमें से पाँच से छः के तुम्हारा डिलीवरी के दौरान निकल जाता है क्यों निकल जाता है क्योंकि बेबी बाहर आ गया प्लासेंटा बाहर आ गया एमनियोटिक फ्यूड बाहर आ गया सिक्रीशंस बाहर आ गए इस वजह से ये क्या हो रहा है पाँच से छः के जी तुम्हारा कम हो गया ठीक उसके अलावा प्रिप्यूरियम पीरियड में यानी कि अब डिलीवरी के बाद जो ये जो सिक्रीशंस हमारे लोकिया बाहर आ रहा है उसकी वजह से और जो हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बाकी यूरिन का कंटेंट बढ़ रहा है प्रिप्यूरियल यूरिन बढ़ जाता है ना यूरिन अपना बाहर निकलने लगता है तो उसकी वजह से दो किलो और कम हो जाएगा यानी कि छः सात आठ किलो आपका कम हो जाएगा नौ दस ग्यारह बारह नौ दस ग्यारह तीन किलो मदर खुद अपना एक्सरसाइज वगैरह से कम करती है ठीक बाकी आपका इन सारी चीजों से कम हो जाता है तो देखा जाए तो फ्लूड लॉस जो है वो पहले हफ्ते में दो लीटर कम हो जाता है पांचवा हफ्ता आते आते डेढ़ लीटर और कम हो जाता है 1.5 लीटर और कम हो जाता है तो इस तरह से आपका फ्लूड कम हो जाता है नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड वॉल्यूम चेंजेस ब्लड में भाई ब्लड भी इंक्रीज़ हुआ था बच्चे को भी ब्लड सप्लाई चाहिए थी तो बॉडी क्या कर रही थी हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर रही थी ब्लड वेसल्स इंक्रीज कर रही थी जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था तो आर भी हमारे इंक्रीज हो रहे थे लेकिन अब क्या है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि अब बेबी बाहर आ चुका है हमें एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत नहीं है कितने टाइम में डिक्रीज हो जाते हैं आठ हफ्ते लग जाते हैं प्लेटलेट्स भाई ब्लड का ही एक पार्ट है प्लेटलेट्स वो भी डिक्रीज हो जाएगा चार से दस दिन उसको लग जाते हैं फिब्रनोजिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो इंक्रीज हो जाएगा ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्लासेंटा बाहर आता है देखो प्लासेंटा मैंने दिखाया है ये प्लासेंटा को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो इसके जो ब्लड आ, खुल जाएंगे ब्लड वैसेज जो खुल जाएंगी जो प्लासेंटर से अटैच थे वो टूट गई अब वो खुल गई अगर उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा या फिब्रनोजन नहीं इंक्रीज होगा तो वो ब्लीडिंग करते 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 पीपीएच का फॉर्म ले लेगा ठीक है पोस्टपोर्टम हैमरेज हो जाएगा तो पोस्टपोर्टम हैमरेज से बचाने के लिए यहाँ पे आपका फिब्रनोजन प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है ठीक है कब इंक्रीज होता है सेकेंड वीक में इंक्रीज होता है और जिसका रिजल्ट क्या निक, निकलता है हाइपर कोअगलेशन यानी कि आपका खून उस उस एरिया में टल साइड में जमने लगेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा फॉर फोर्टी एट आवर्स के लिए ठीक ताकि आपको पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज ना हो नेक्स्ट आ जाते हैं ओवेरियन फंक्शन चेंजेस ओवरीज में क्या क्या चेंजेस है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है देखो जो औरतें जो लेडीज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब छ हफ्ते तक ब्रेस्ट फीड कराना सिक्स वीक्स सॉरी सिक्स मंथ कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड कराना कुछ और मत खिलाना बच्चे को कंटिन्यूस सिर्फ अपने ब्रेस्ट फीड से ही बच्चे को पालना ठीक तो उनके अंदर फॉलिकल फॉलिकुलटमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होने लगता है लाइक like, uh, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है फॉलिकल वॉलीकुलटमुलेटिंग हार्मोन क्या है जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे अंदर ओवरीज के अंदर ये हमारी ओवरी है इसके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं यही फॉलिकल्स अपने आप को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनाने के बाद ये अपने आप को रप्चर कर देते हैं और इसमें से ओवम बाहर निकल आता है अब ये ओवम जब स्पर्म से मिल जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी भैया ठीक है जब फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे सही से तो ये सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बन पाएगा ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन पाएगा फिर ये ओवम भी टाइम पे रिलीज नहीं होगा जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी है ना तो इन सबको बनाने के लिए फॉलिकल स्ट्यूमलेटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ती है अब जब एक मदर भाई अभी तो वो माँ बन के लाइक डिलीवर किया उसने बच्चे को तो अभी प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है तो एक मदर जब कंटीन्यूस छः महीने तक कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड कराती रहती है अपने बच्चे को तो उसके अंदर फॉलिकल स्टूमलेटिंग हार्मोन सप्रेस हो जाता है जब वो सप्रेस हो जाता है तो दस हफ्ते तक वो बिना क्वान्डम के सेक्स कर सकती है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपका एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो प्रेगनेंसी जो नेचुरली डिले हो जाएगी दस वीक तक बहुत बड़ी बात है दस हफ्ते ठीक है विदाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्ट तो ओवरीज में जो चेंजेस हैं वो डिपेंड करता है आपके ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो नॉन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर हैं जो कि छः महीने से पहले उन्होंने कराना छोड़ दिया, वो चार हफ्ते तक सिक्योर रहती उसके बाद वो दोबारा से तुरंत प्रेग्नेंट हो सकती हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है आपको एक प्रेगनेंसी के बाद तीन साल का गैप देना चाहिए तब आप दूसरी बार प्रेगनेंट हो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होंगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी बॉडी वीक हो गई तो बेबी हेल्दी नहीं होगा बेबी हेल्दी नहीं होगा तो बेबी हमेशा वीक रहेगा उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी हमेशा डिले रहेगा ठीक है तो ये सारी चीजें हमारी चेंजेस हो रही हैं इस वीडियो में मैंने अभी ब्रेस्ट चेंजेस नहीं बताए हैं क्योंकि ब्रेस्ट चेंजेस में आपका लैक्टेशन आ जाता है उसका सेपरेट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैक्टेशन एंड इट्स मैनेजमेंट तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है मैंने बहुत ही कंसाइज नोस्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए आप प्लीज़ उसको देखिएगा कंसिडर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर भी करिए Till then, bye-bye.